ठाए ठाए स्टोरी के बारे में बताते हैं। संभल पुलिस का एनकाउंटर के दौरान ठाए ठाए का वीडियो बहुत वायरल हुआ है। ये ठाए ठाए का वीडियो ऐसा है कि आपको हंसा कर रख देगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि पुलिस वाले किसी बदमाश को पकड़ने के लिए मुठभेड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर। पुलिस लगातार गन्ने के खेत में छिपे बदमाशों को पकड़ने के लिए गोलियां चला रही है, लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि पुलिस की पिस्तौल से गोलियां चलना बंद हो गई। और फिर क्या था जो पुलिस वालों ने किया, उसने यूपी पुलिस की खूब किरकिरी करा दी। दरअसल ये पूरा मामला संभल जिले का है। संभल के थाना असमोली इलाके में संभल बैरियर तोड़कर भाग रहे अपराधियों की घेराबंदी शुरू की, तो इस बीच बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस और बदमाशों के बीच चल रहे एनकाउंटर के दौरान पुलिस के हथियार जवाब दे गए। जैसे ही बदमाशों पर फायरिंग करने की नौबत आई, दारोगा की पिस्टल ने फायर नहीं किया। घबराए दारोगा ने फायरिंग की जगह मुंह से ही ठाए ठाए की आवाज निकालनी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस की दूसरी टीम ने बदमाश पर फायर कर दिया, जिसमें एक बदमाश रुखसात के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा फरार हो गया। रुखसात पर 25,000 का इनाम था और उसके खिलाफ 15 मामले दर्ज थे। दारोगा के मुंह से एनकाउंटर करने का वीडियो वायरल होने से पुलिस बैकफुट पर आ गई और इसे सामान्य बात बताने में जुट गई। इसे लेकर संभल पुलिस की खूब फजीहत हुई। संभल एसपी इस पर सफाई देते दिखे। असमोली क्षेत्र में पुलिस द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी इस अपाचे मोटरसाइकिल पे, जो कि बिना नंबर की बदमाश जा रहे थे, इनके द्वारा जब रोकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा मोटरसाइकिल ने रोककर पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षा से इनके द्वारा भी फायर किया गया। इसमें एक रुखसाद नाम का काफ़ी हीनियस क्रिमिनल है, जिसकी एक लॉन्ग क्रिमिनल हिस्ट्री है। करीब 18 मुकदमे लूट और उसके चोरी आदि के हैं। वो इंजर्ड हुआ है और एक हमारा सिपाही बल्लाम की भी गोली लगी है। इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी था रुखसाद पे। एसपी ने कहा कि जानकारी मिली है कि मुठभेड़ के दौरान एक दारोगा का हथियार जाम हो गया था। ऐसे में बदमाशों पर दबाव बनाने के लिए पुलिसकर्मियों ने घेर लिया, पकड़ लो की आवाजें भी निकाली। इस दौरान ठाए ठाए की आवाज निकाली गई, इसे संज्ञान में लिया गया है। हथियार में तकनीकी खराबी से फायर नहीं होने के मामले में कभी कभी सामने आते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लगातार फजीहत से बचने के लिए एसपी ने पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने की बात कही है। इन्वेस्टिगेशन के लिए संभल से सुनील राघो की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पुलिस मस्खरी में लगी हुई है, अपने कारनामों से आए दिन चर्चा में बनी रहती है। इसी कड़ी